हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के वीडियो में मैं आपको प्लाजो पैंट में पॉकेट यानी जेब लगाना बता रही हूँ। तो देखो, सबसे पहले मैंने ये फ्रंट वाले पार्ट ले लिए हैं और एक पार्ट को मैंने ये साइड में कर दिया है और ये हमारा राइट साइड वाला पार्ट है और इस पर हम पॉकेट लगाएंगे। तो ये पॉकेट मैंने बचे हुए कपड़े से काट ली है। इसकी लंबाई रखी है मैंने 15 इंच और ऊपर से इसकी चौड़ाई है 5 इंच और नीचे से इसकी चौड़ाई है 6.5 इंच और इसको इस तरीके से मैंने इस शेप में इसको काट लिया है। और अब इसको मैं आपको अटैच करना बता रही हूँ। तो इसको हम इस तरीके से खोलेंगे। ऊपर की साइड से मैंने इसमें 2.5 इंच पर निशान लगा दिया है और ये पॉकेट की जो चौड़ाई है उस पर उसका निशान मैंने 6.5 इंच का लगाया है। और अब इसकी हम सिलाई करेंगे। तो इस तरीके से हम रख के यहाँ पे हमने ये कट लगा दिए और इस पर हम चौक से निशान लगा लेंगे और यहाँ से यहाँ तक पहले हम इस पर सिलाई डालेंगे। सिलाई को यहाँ पे भी लॉक करना है और यहाँ पे भी लॉक करना है। सिलाई को मैंने दोनों साइड से लॉक कर दिया है और अब इसको हम इस तरीके से पलट देंगे। तो ये कुछ इस तरीके से हो गया है और इस पर हम ऊपर यहाँ पे लव की सिलाई लगा देंगे जिससे कि दिखने में अच्छा लगे। दोनों कपड़ों को बराबर करके यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से मैंने इस पर यहाँ सिलाई लगा दी है और अब इसको हम इस तरीके से पकड़ेंगे और इस तरीके से पकड़ के यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे। इसको हम अंदर की साइड में रखेंगे। और ये सिलाई लगाकर फिर हमको इस तरीके से इसको सीधा कर देंगे। तो देखिए, ये फ्रंट वाले पार्ट में तो हमने जॉइंट कर दिया है और अब हमारा ये इस तरीके से ये पॉकेट आ रहा है। तो इसको हम बैक वाले पार्ट में जॉइंट कर देंगे। तो हम अपना बैक वाला पार्ट लेंगे और ये इसकी सीधी साइड हम अंदर की साइड में रखेंगे और उल्टी साइड रखेंगे ऊपर की साइड। ये पॉकेट वाली साइड है, ये हमें इस तरीके से नीचे की साइड में ही रखनी है और इसको यहाँ से बराबर करके ये दोनों पार्टों को जॉइंट करना है। सिलाई आपको इसके ऊपर नहीं चलानी है। बिल्कुल इसके बगल बगल में यहाँ पे आपको सिलाई को चलाना है जिससे कि वो नीचे वाली सिलाई है वो दबे नहीं। तो ये हमने इसमें बैक वाला पार्ट जॉइंट कर दिया है। तो देखो, ये हमारा पॉकेट है, कितनी आसानी से लग के तैयार हो गया है। देखिए, इस तरीके से आप किसी भी प्लाजो पैंट में पॉकेट लगा सकते हैं बिल्कुल आसानी से। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।